हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यार बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत ही बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, काफी बार एक नहीं दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अनुस्वार क्या होता है, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, इनका उच्चारण कहाँ होता है, ऐसे कौन कौन से वर्ण होते हैं जिनको अनुस्वार में परिवर्तित करते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछा जाता है। और शब्द शुद्धि में ये तो आता ही आता है, पूछा ही जाता है। देखो, जैसे कि मान लो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला क्या है। तो हिंदी वर्णमाला ये है, व्यंजन है, कुल स्वर 11 है, उनको छोड़ दीजिएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये जो पांच वर्ण होते हैं, ये पांच वर्ण इन्हीं को केवल अनुस्वार में परिवर्तित किया जाता है। बस आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं जिन्हें अनुस्वार में परिवर्तित कर सकते हैं, तो कुल वर्ण कितने होते हैं प्यारे बच्चों, कुल वर्ण होते हैं पांच जिन्हें अनुस्वार में परिवर्तित करते हैं। कौन कौन से, कैवर का पांचवा, चैवर का पांचवा, टैवर का पांचवा, टैवर का पांचवा और पैवर का पांचवा। ठीक है, अब पता कैसे करेंगे, तो 1935 में, ध्यान रखना 1935 में एक आलोचक थे जिनका नाम था डॉक्टर श्याम सुंदरदास। क्या नाम था, डॉक्टर श्याम सुंदरदास। इन्होंने कह दिया था 1935 में ही कि किसी भी शब्द में, ध्यान सुनना, किसी भी शब्द में, ध्यान सुनना, किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ग का, ध्यान सुनना, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का अंतिम, किसी भी वर्ग का अंतिम या पांचवा वर्ण, अंतिम या पांचवा वर्ण, अंतिम या पांचवा वर्ण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण, पांचवा वर्ण क्या हो, स्वर रहित हो, क्या हो, स्वर रहित हो, क्या हो, स्वर रहित हो, तो उसे किसमें परिवर्तित कर देते हैं, स्वर रहित हो तो उसे किसमें परिवर्तित कर देंगे, अनुस्वार में परिवर्तित कर देंगे। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा है प्यारे बच्चों कि किसी भी शब्द में किसी भी वर्ग का, किसी भी शब्द में किसी भी वर्ग का अंतिम या पांचवा वर्ण, जिसे हम लोग अनुनासिक कहते हैं, यदि वह स्वर रहित है, कैसा है, स्वर रहित, यानी कि आधा है, तो उसे किसमें परिवर्तित कर देंगे, अनुस्वार में। यानी कि इन पांचों में से कोई सा भी दिखाई दे, हमें आंख बंद कर क्या देखना है, इन पांचों में से कोई सा वर्ण देखना है। जैसे कि मान लो आ जाता है एक शब्द, मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, जैसे मान लो आ गया हिंदी। अब बताओ मुझे इन पांचों में से कोई सा वर्ण दिखाई दे रहा है क्या, आप लोग ध्यान से देखना, हाँ गुरु जी दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखाई दे रहा है, चौथा दिखाई दे रहा है, तो न, तो इसे हम लोग किसमें परिवर्तित कर देंगे, अनुस्वार में परिवर्तित कर देंगे। अब आपसे शुद्ध पूछा जाए कि बताए निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है, तो ये शुद्ध होगा और ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है आप लोगों को, ये वर्णमाला याद है तो याद होना चाहिए, कैवर के पांच होते हैं, चै के ये पांच, टै के भी पांच, तै के भी पांच होते हैं, पै के पांच, ये वर्ण याद होने चाहिए। अब पता कैसे करेंगे, बदलेंगे कैसे, अब देखो सबसे पहले इन पांचों में से हमें एक देखना है, दिख गया, न दिख गया, चौथा नंबर का दिख गया, चौथा किस वर्ग का है, तय वर्ग का है, और जैसे हमने ये दिख गया उसके बाद वाला वर्ण देखना है, उसके बाद वाला कौन सा है, दे, दे और ने, दोनों ये है ना, ने और दे, अब ये एक ही वर्ग के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, एक ही वर्ग के होने चाहिए, तो ही हम इसे अनुस्वार में परिवर्तित करेंगे। समझ में आया, जिसके ऊपर अनुस्वार है, देखो ध्यान से सुनना, जैसे कि मान लो शब्द आ गया ये, अब देखो यहाँ पे कौन सा वर्ण आया, भाई हमें दिख गया कौन सा गुरु जी, कौन सा दिख गया हमें, कौन सा दिखाई दिया, दूसरे वाला, तीसरे वाला दिखाई दिया, अने, मैंने कहा जैसे पांचवा दिख जाए फिर उसके बाद वाला वर्ण देखना है, उसके बाद वाला कौन सा है, डे, क्या दोनों एक ही वर्ग के हैं, हाँ गुरुजी एक ही वर्ग के हैं, किस वर्ग के हैं, टै वर्ग के हैं, तो ही हम इसे, इस पांचवे को अनुस्वार में परिवर्तित करेंगे, तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दोनों हो तो अनुस्वार वाला शुद्ध माना जाता है। जैसे देखो आ गया पंत, पांचवा दिख गया गुरु जी, अब हमें उसके बाद वाला वर्ण देखना है, क्या ये पांचवा और इसके बाद वाला वर्ण एक ही वर्ग के हैं, हाँ एक ही वर्ग के हैं, किस वर्ग के हैं, तय वर्ग के, तो ये है ना अनुस्वार में परिवर्तित कर देंगे। जैसे आ गया दंपति, आ गया, अब देखो दिख गया पांचवा, दिख गया, उसके बाद वाला वर्ण देखो कौन सा है, पै, क्या दोनों एक ही वर्ग के हैं, एक ही वर्ग के हैं, कौन से वर्ग के हैं, पै वर्ग के, तो हम इसे अनुस्वार में परिवर्तित कर देंगे। जैसे मान लो आ गया कंठ है, क्या आ गया कंठ है, दिख गया गुरु जी, उसके बाद वाला कौन सा, ठै, क्या एक ही वर्ग के, हाँ एक ही वर्ग के, कौन से वर्ग के हैं, ठै वर्ग के, तो इसे हम लोग अनुस्वार में परिवर्तित कर देंगे। जैसे देखो बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे मान लो आ गया दिनांक, यही लिखते हो ना आप लोग, या ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा आपने कभी भी, कहीं तो देखा ही होगा,
देखा होगा। तो एक बात और यहां समझने की आ गई, किसी भी वर्ण के नीचे कोई वर्ण लिखा लगाया जाता है, लिखा जाता है, तो नीचे वाला स्वर सहित होता है, ऊपर वाला स्वर रहित अर्थात आधा होता है। तो यहां देखो दिख गया पांचवा दिख गया, उसके बाद वाला कौन सा है, एक ही वर्ग के, हाँ एक ही वर्ग के, किस वर्ग के, कै, तो इसको अनुस्वार में परिवर्तित कर देंगे। अब आपसे उल्टा सवाल पूछा जाता है, कैसे, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मंजू शब्द में मैं के ऊपर अनुस्वार है, कौन सा वर्ण है इन पांचों में से, अंग, ये, अने, ने और मैं। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये चै वर्ग का है, नहीं प्यारे बच्चों ये किस वर्ग का है, ये है चै वर्ग का। पता कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें पता करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखना सभी के सभी, सभी के सभी ध्यान से देखना, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अभी जो उदाहरण समझाया था वही बता रहा हूँ सारे के सारे। हमें क्या करना है, हमें देखना है किस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो किस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, देखो यहाँ किसके ऊपर लगा हुआ है, मैं के ऊपर, फिर हमें उसके बाद वाला वर्ण देखना है, समझ में आया, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हो उसके बाद वाला वर्ण हमें देखना है। अब उसके बाद वाला जो वर्ण है प्यारे बच्चों वह किस वर्ग का है, मान लो जिस वर्ग का है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण होगा, तो किस वर्ग का है, चै वर्ग का, तो चै का पांचवा है ये, देखो किसके ऊपर अनुस्वार है के ऊपर, अगला वर्ण कौन सा है, द, अब द किस वर्ग का है, तय, तो तय वर्ग का पांचवा वर्ण होगा वो कौन सा है, ये। अब ऐसे ही किस वर्ग के ऊपर, किस वर्ण के ऊपर लगा हुआ है, द, अगला वर्ण कौन सा है, पै, पै किस वर्ग का है, पै वर्गों में इसका पांचवा वर्ण होगा वह अनुस्वार, तो कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो किस वर्ण, वर्ण के ऊपर है, अगले वाला वर्ण कौन सा है, ठे, ठे किस वर्ग का है, टे का पांचवा वर्ण होगा वह अनुस्वार। ऐसे ही देखो किस वर्ग का है, तय, तय खुद एक वर्ग है, तो अगला वर्ण कौन सा है, पांचवा है, अंतिम वर्ण इसका। ऐसे हम लोग पता करेंगे। तो समझ में आया नहीं आया, सब शुद्धि ध्यान रखना, और ऐसे पूछा जा सकता है कौन सा वर्ण है, किस वर्ग का है, तो यह सब हमें ध्यान में रखना होगा। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।